तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे Xiaomi की तरफ से कौन से यहाँ पे न्यूज आए हैं MIUI 12 से रिलेटेड एंड हमारे डिवाइस के लिए अपडेट कब तक आएगा जिसको अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिला है एंड इंडिया के अंदर कौन से डिवाइस को रिलीज किया गया है या फिर डिवाइस के लिए अपडेट को रिलीज किया गया है। तो पूरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आ चुका हूँ, बस इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो चलो यार अभी कर लेते हैं वीडियो को शुरू। हालांकि ये वीडियो कोई ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, बहुत ही कम वीडियो होने वाला है, कम सेकंड का, मतलब कि एक या दो मिनट का वीडियो होने वाला है, इसको पूरा देख लेना। फिलहाल सबसे पहले यहाँ पे न्यूज निकल के आया है Redmi K20 की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इंडियन वर्जन के लिए एक नया अपडेट को पुश किया गया है जो है MIUI 12.0.3.0 का, जिसे आप यहाँ पे OTA अप्लाई भी कर सकते हो। सभी के डिवाइस के अंदर ये अपडेट आना शुरू हो चुका होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ Redmi Note 7 Pro के बारे में। हालांकि इसको सभी को अभी अपडेट मिल चुका है, लेकिन कुछ यूजर ऐसे भी हैं कि जिनको अभी तक ये अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो गाइस देखो, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे वेट कर सकते हो 3-4 दिन तो आपको ये अपडेट मिल जाएगा, अदरवाइज आप इसे सिंपली रिकवरी मोड से या फिर OTA अप्लाई भी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे एक नया अपडेट और भी आया है गाइस। आपको पता होगा यहाँ पे Redmi Note 9 को एक MIUI 12.0.4.0 का सपोर्ट मिला था, राइट? और ये अपडेट सभी को देखने को नहीं मिला था बिकॉज ये एक पार्शियल अपडेट था, लेकिन आज के दिन यहाँ पे फुली रिलीज कर दिया गया है सभी के लिए, जिसे आप यहाँ पे रिकवरी रोम या फिर फास्ट बूट रोम से भी फ्लैश कर सकते हो। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार जितने भी अपडेट्स आए हैं काफी अच्छे इंडियंस के लिए, एंड यार आई होप कि सभी को ये अपडेट मिल चुका होगा। अभी बात कर लेते हैं Redmi Note 9 Pro Max के बारे में। तो भाई देखो, Note 9 Pro Max जो है डिवाइस, इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन आया था, लेकिन उसे यार जितने भी अपडेट्स थे वो पोस्टपोन किए जा रहे हैं। एंड यार बस यही न्यूज है कि आपको करीब एक हफ्ते के अंदर अंदर इसके बारे में कोई नया न्यूज देखने को मिलेगा। फिलहाल उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि MIUI 13 आने वाला है, जिसका एक लीक यहाँ पे लीक हुआ है, मतलब लीक्स आया है। एंड यार सभी बंदों ने यही कहा कि ये फेक न्यूज़ है या फिर MIUI 13 आ चुका है तो MIUI 12 कब तक आएगा। तो भाई सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि MIUI 12 से भी पहले MIUI 13 का यहाँ पे डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका था। जब ये MIUI 12 को चाइना के अंदर पहली बार रिलीज किया गया तभी MIUI 13 पे काम करना चालू हो चुका था। अभी देखो यार MIUI 13 अभी जो है अभी आने वाला है, MIUI 13 या 13 आने वाला है, ये अभी अंडर टेस्टिंग में है, मतलब डेवलपर मोड में है। तो जब तक इसे पूरी टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको इसका कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। कुछ लीक्स आए हैं जो मैं आपको दिखा दिया, मतलब पहले ही दिखा दिया है, बाकी आपके ऊपर है। वैसे ये न्यूज़ एकदम रियल है, 100% जेन्युइन न्यूज़ है। कहीं से भी आप पता कर लो, गूगल से भी पता कर लो, आपको पता चल जाएगा कि MIUI 13 आने वाला है, लेकिन कब आने वाला है इसका कोई भी डेट अभी मालूम नहीं है। फिलहाल देखो आज की वीडियो में इतना। यार कोई न्यूज़ आता है तो बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लाया जाएगा। एंड यार यहाँ पे एक नया वीडियो आने वाला है हमारा, जिसके अंदर आपको जितना भी इंफॉर्मेशन आपके डिवाइस के लिए वो सब कुछ प्रूफ के साथ मैं लेके आने वाला हूँ। तो चले यार तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।